हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बनाएंगे तरी वाली गोभी। उसके लिए हमने सरसों का तेल चढ़ा के गरम करके इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याजों को ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक टमाटर कटा हुआ है, एक छोटा टुकड़ा इतना अदरक का हमने ग्रेट कर लिया है, और एक हरी मिर्ची है। इन सबको डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच नमक। अब मसाले को 2-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। एक बार आप ये ग्रेवी वाली आलू गोभी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ आप चाहें, सूखी गोभी से बहुत ही अलग स्वाद आता है इसका। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम कुछ सूखे मसाले। 1/4 स्पून हम डालेंगे हल्दी का, आधा चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच धनिया। मिक्स कर लेते हैं। मिर्च मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे हमारी हुई धुली हुई गोभी और आलू। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको भी। 1-2 मिनट के लिए गोभी को इसी तरह से इसके साथ भून लेंगे मसाले के साथ। मसाले को गोभी के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। गोभी पर मसाला कोट हो गया अच्छे से। अब हम इसके अंदर गरम किया हुआ पानी डाल देंगे। पानी गर्म था, झटपट से उबाला आ गया। अब हम गैस को सिम पे करके 8-10 मिनट तक इसको ढक के कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारी गोभी और आलू अच्छे से गल नहीं जाते। सब्जी को कुक होते हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो गए हैं। बीच में आके हमने 2 बार चला भी ली थी। ये देखिए बढ़िया सी हमारी ग्रेवी वाली गोभी बन के तैयार हो गई है। आलू भी हमारे गल गए हैं और गोभी भी हमारी गल गई है। इस तरह की थोड़ी सी हल्की ग्रेवी वाली हमको सब्जी रखनी है, बहुत ही स्वाद लगती है। आप एक बार बना के देखिएगा। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया और 1 चुटकी के करीब हम डालेंगे गरम मसाला। घर का बना हुआ गरम मसाला है, रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक गरम मसाला है। बहुत बढ़िया सी हमारी ग्रेवी वाली गोभी बन के तैयार है। प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए जी, बढ़िया सी हमारी ग्रेवी वाली गोभी बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।